तो बाद में जो है पहले तो वो ये पूछते हैं कि फर्ज और सुन्नत है दोनों। तफसील देखना चाहे तो उनको रूहुल बयान शरीफ में देख लो, ये दाऊद अलैहिस्सलाम की जी जी उर्दू में भी मिल जाती है रूहुल बयान। जी जी ठीक है। जिस भाई ने लियाकत भाई दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में आपने पूछा, मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि रूहुल बयान किताब का नाम है, उसको आप पढ़ लें, तफसीर है उर्दू और अरबी दोनों में मौजूद है, उसमें आपको पूरी तफसील जो है मिल जाएगी। जी अरशद भाई का सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा था कि फजर की नमाज अगर कज़ा हो जाए तो बाद में फ़र्ज भी पढ़ने हैं, सुन्नतें भी अदा करनी हैं, या इनमें से कोई एक फ़र्ज़ पढ़ने हैं, सुन्नतें नहीं पढ़नी, और फिर उन्होंने वक्त का तायुन जो है वो भी पूछा है। आम मशहूर किताबों में तो ये लिखा हुआ है कि भाई अगर दोपहर से पहले पहले नमाज फजर को उसी दिन कज़ा करे तो सुन्नतें भी साथ कज़ा करें, ठीक है, फ़र्ज भी कज़ा करें, लेकिन सही कौल ये है कि उस दिन गुरूब सूरज होने से पहले अगर वो कज़ा करता है तो फ़र्जों के साथ साथ सुनते भी कज़ा कर ले, ठीक है। और इसी तरह वो कज़न से जो लेन देन था जिनका, जिन्होंने गोल्ड अपनी वाइफ का, वो जो अगर वो कहते हैं कि वो पाँच चुके 3,000 पाउंड का था, अब उसकी मालियत 18,000 है, तो मुझे वो बीच का जो नुकसान है बेईमाना सूद वो बनता है। नहीं नहीं, वो ज़्यादा नहीं ले सकते, वो तो सूद हो जाएगा जी जी। अब रह गया नुकसान का, उन्हें सवाब जो मिल रहा है, ठीक है, नुकसान का हुआ, ये तो फ़ायदे में है, ठीक है, कि दुनिया की आर्जी चीज़ देख के वो नेमत ले रहे हैं जो मरने के बाद खबर में भी उनको फ़ायदा दे मैदान माशर में, ठीक है, दुनिया में उसके बरक़ात नसीब हो अगर उनकी दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा है तो, ठीक है। मैं बड़ा मुख्तसर चाहता हूँ अगर आप इसको भी टच कर दें, वैसे तो मैंने उनको जवाब दिया कि जो रुख किबला का चेंज हुआ था वो कुरान की जो आयात ठीक है अजमत है मुस्तफ़ा का, ठीक है, यानी इसमें कोई वसवसा पैदा करने वाली बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये भी मेरे नाज़रीन सुने, बात ये कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ सही कौल के मुताबिक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में आर्जी तौर पर रुख किया था, ठीक है, आप मक्का मुकर्रमा में जब नमाज अदा किया करते थे तो ये मौजूद है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला शरीफ तक रुख करके नमाज को अदा किया, ठीक है, सही तहकीक ये है, बिल्कुल ठीक है, रिवायतें दूसरी भी मिलेंगी। अच्छा मुफ्ती साहब क़िबला, एक और बड़ा अहम सवाल है जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जो सुन्नत तरीका था जुम्मा के दिन का, यह सवाल है कि नमाज जुम्मा के पहले जो है वो सुन्नत तरीका ये था कि अरबी में खुतबा पढ़ा जाता था, जो आज भी पढ़ा जाता है, लेकिन ये जो उर्दू के खिताबात और इंग्लिश की स्पीच शुरू की गई है, इसका क्या जवाब है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दौर में तो यही अरबी वाला खुतबा पढ़ा जाता था, अरबी खुतबे के अलावा और कोई खुतबा नहीं था, ठीक है। अब मौजूदा दौर में जो ये अरबी खुतबे के अलावा भी खुतबे शुरू हो गए, जी जी, इसे तबलीग कहा जाए, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये सुन्नत नहीं है, सुन्नत वही खुतबा है जो अरबी का पढ़ा जाता था। अगर कहीं ऐसा किया गया, उस अरबी खुतबे को छोड़ के उसकी जगह पे उर्दू खुतबा दिया गया तो ये मकरूह तहरीमी है, ये नजायज़ होगा, ठीक है। मुफ्ती साहब कुछ कॉलर्स भी आ गए, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी बेल्जियम से बिस्मा बोल रही हूँ। जी आपका सवाल? जी पूछना था कि मेरी दोस्त है तो उनके हावंद जो है उनकी नाइट शॉप है, तो कौन सी शॉप है? नाइट शॉप यानी कि शराब वगैरह। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो हम उनके घर जाते हैं, उनके घर खाना शाना खाते हैं, वो भी हमारे घर आती हैं और आपस में गिफ्ट वगैरह का भी है लेंगे, ठीक है। तो किसी से सुना कि यानी कि उनका फिर पैसा तो हराम का होगा क्योंकि वो नाइट शॉप पे काम करते हैं, ठीक है, तो उनके घर से खाना खाना या उनसे लेन देन रखना काम करते हैं, खुद कारोबार करते हैं। जी अच्छा, इसमें इसमें उनकी अपनी जाती नाइट शॉप है? जी उनकी अपनी है, यानी वो काम नहीं करते बल्कि मालिक है खुद? जी कुछ मालिक है और कुछ और भी दोस्त हैं जिनके जो जिनके हस्बैंड जो है वो काम करते हैं, वहाँ मुलाजम है, ठीक है, ठीक है। उनका पूछना है अगर मुलाजम हो तो उनके बारे में क्या हुक्म है, यानी कि अगर उनको कोई काम ना मिल रहा हो, ठीक है, मजबूरी वो वहाँ पे काम करें, और अगर मालिक हो तो उसका क्या हुक्म है? बिल्कुल आपका सवाल हम तक पहुँच गया, इंशाल्लाह अभी आपका सवाल जो है उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैं हाफिज ज़ियाउल इस्लाम बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी आपको खुशामदीद कहते हैं हाफिज साहब, आपका सवाल। आप कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का करम। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह हज़रत हाफिज साहब। हुज़ूर गुजारिश ये है कि ये जो आपने क़िबला शरीफ की बात की है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क़िबले की तब्दीली से पहले भी मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, जहाँ तक मेरे नॉलेज का तल्लक है कि आप नमाज इस तरह पढ़ा करते थे मस्जिद नमाज की हालत में क़िबला मस्जिद अक्सा ही था, लेकिन सामने जो है क़िबला की हालत में इस तरह खड़े होते थे कि दरमियान में मस्जिद हराम यानी बैतुल्ला शरीफ ठीक है भी आता था। जी जी बिल्कुल, आपका मतलब यह है कि रुख जो है इस अंदाज में किया करते थे कि बैतुल्ला काबतुल्ला भी सामने आ जाता और फिर बैतुल मक़द्दस भी। जी जी ठीक है। वैसे मुफ्ती साहब ने जो अपनी जगह फरमाया बजा फरमाया है, लेकिन हजरत साहब मैं अर्ज करूँ आपको आपकी बहुत अच्छी, मैं छोटी सी गुजारिश करता हूँ। आप इरशाद फरमाएं, आप इरशाद। बहुत अच्छे तरीके से वजाहत की है बैतुल्ला शरीफ की तब्दीली का भी। आप इरशाद फरमाएं। आप कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, बाद लोग जो हैं वो समझने में भी थोड़ी ठीक है जल्दी करते हैं, जरा सब्र तमल से मसले को सुने तो समझ आ जाती है। तो जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती उनको पढ़ना चाहिए था, बस्ते छोड़ के भागने वालों को कैसे समझ आती है। ठीक है, आपका फर साहब सवाल जो है वो तकरीबन मुफ्ती साहब समझ गए इंशाल्लाह, जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। जी अगले कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी इटली से बोल रहा हूँ। आपको खुश आमदेद कहते हैं। जी इटली से बोल रहा है, सवाल ये पूछना है कि जिस तरह ईसाई लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, जी क्या हम मुसलमान को उनको गुड मॉर्निंग का जवाब दे सकते हैं या नहीं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। जी अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? जी भाई मैं जो है महमूद बोल रहा हूं, और मैंने मुफ्ती साहब को पहले तो सलाम बोलना है, और दूसरी मेरी दरख्वास्त आपका, मैंने प्रोग्राम देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत ही अहम मसला आया है, और मेरी दरख्वास्त है मुफ्ती साहब से कि मुझे अलमुख्तसर अपने, मैं फ़ोन बंद करूंगा तो जवाब दे दीजिएगा कि मेरी बेटी है उनका एक जगह से रिश्ता आया है और रिश्ता भी हमें पसंद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हम अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक है और उन लोगों का वो शिया लोग हैं, तो क्या मेरी बेटी का निकाह उनसे हो जाएगा? इसका जवाब मुझे हाँ या ना में मुझसे सब प्लीज दे दीजिएगा। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अब बहुत शुक्रिया आपका, कुछ और कॉलर्स भी हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा भाई कौन और कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं शान अर्ज कर रहा हूं यहां लुटन से। क्या शान है आपकी, क्या सवाल है शान भाई? अच्छा तो सवाल करूं? जी जी कीजिए सवाल। अच्छा हजरत, मैंने सिर्फ ये जानना था कि इस्लाम में शायरी की इजाजत है या नहीं है। ठीक है, और किस, अगर इजाजत है तो किस तरह की शायरी है जो हम कर सकते हैं, तो अगर नहीं है तो कौन सी शायरी से मना किया गया? फॉर एग्जांपल जिस तरह हम अलामा इकबाल की शायरी करते हैं या मिर्जा गालिब है या इस तरह की जो शायरी करते हैं, ठीक है तो आया ये ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कुछ दोस्तों से सुना है कि इस्लाम में शायरी से मना किया गया है, बिल्कुल ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि किस वजह से मना किया गया है। ठीक है इंशाल्लाह, आपने बड़ा शानदार सवाल किया है शान भाई, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा, बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। जी टेलीविजन की आवाज बंद है। जी अब बात कीजिए, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, मेरा भाई का नाम, कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं लंका शहर से बोल रहा हूँ। आपका नाम? एक तो छोटे छोटे सवाल है। जी सवाल कीजिए। जी पहला सवाल तो ये है कि आजकल हमारी मसाजिद में कुछ लोग जो हैं वो मजदूरी की वजह से
कुर्सी पर बैठकर जो है नमाज पढ़ते हैं या वहाँ बैठते हैं जी। और कुछ लोग जो है वो फर्श पर बैठकर कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे होते हैं जी। क्या ऐसा करना कुरान के अदब के मुताबिक है, ऐसा करना चाहिए? हालांकि वो जो बैठे होते हैं कुर्सियों पर बैठे होते हैं जी, वो मूव भी हो सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है। एक और दूसरा सवाल ये है एक्सक्यूज मी जी, दूसरा सवाल ये है कि मस्जिद में मस्जिद की सपोर्ट के लिए सेल लगाना क्या जायज है? मस्जिद में मस्जिद की सपोर्ट के लिए जी जी, जैसे कुछ कपड़े वगैरह कुछ ऐसी चीजें मस्जिद में लगाई जाए, उसमें औरतें और दूसरे लोग जाकर उधर खरीदे और वो पैसा चंदा जो इकट्ठा होगा। अच्छा, ये जरा आप क्लियर कर दीजिए, मस्जिद के अंदर या मस्जिद के अहाते में नहीं, लेकिन उसी जगह में जहाँ मस्जिद है वहाँ अगर बाहर कार पार्क है, कार पार्क है या उसके अलावा मस्जिद के ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है, ठीक है, नमाज होती है ऊपर भी नमाज होती है, ठीक है, मस्जिद के अंदर बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरा भाई जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब, काफ़ी सारे सवाल हो चुके हैं, इनके जवाब ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कुछ और कॉलर भी शामिल करेंगे। अच्छा, वो बहन पूछ रही थी कि दो चीज़ें उन्होंने पूछी हैं बड़ी कैटेगोरिकली उन्होंने क्लियरली। एक वो कि जो नाइट शॉप का मालिक है, जो जो वो नाइट शॉप का मालिक है उसके घर जाकर खाना पीना, क्योंकि वो कमाई वही है, वो जायज़ है, हलाल है, लोग काम कर, और दूसरा जो कुछ काम कर रहे हैं। फतावा अजीजिया में हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत ने लिखा कि ये दोनों काम जो हैं ये नाजायज़ हैं। ठीक है, उनकी कमाई ठीक नहीं है, ठीक, लिहाजा उनके घर खाने पीने से परहेज कीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो घर आ जाए खाने किसी के घर, तो फिर कोई इतराज नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा वो आते जाते भी हैं और हम भी जाते हैं। उनको समझाया जाए कि भी आप इससे बेहतर रिज़्क़ हलाल का जरिया तलाश करें, ठीक है, ये ज़रूरत होती है। बस हाफिज़ साहब ने वो क़िबला की तब्दीली के बारे में जो कहा, हाँ वो ये है, एक रिवायत वही है जो हाफिज़ साहब ने बयान की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ को सामने रखते और बैतुलमक़दस की तरफ रुख करते, और ये भी एक रिवायत है। ठीक है, असल बात यह है कि जिस सहाबी ने जिस तरह देखा उसने उसी तरह रिवायत कर दी। ठीक है, हकीकत यह है, जो सही तहकीक है वो ये है, मक्का मुकरमा में जो लोग थे वो जब नमाज पढ़ते थे वो बैतुल्ला शरीफ की तरफ रुख करके नमाज को पढ़ते थे। ठीक है, और जो मदीना मुनव्वरा में लोग रहते थे, चूंकि ज़्यादातर अहले किताब थे वहाँ, वो बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज को अदा करते थे। चूँकि उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से, जब आप मक्का मुकरमा थे तो बैतुल्ला शरीफ के आगे बैतुल्ला शरीफ तक रोक करके नमाज को अदा करते थे। ठीक, जब आप मदीना मुनव्वरा आए तो अल्लाह के हुक्म से आपने बैतुल मुकद्दस की तरफ रोक करके नमाज को अदा किया, ताकि यहाँ जो अहले किताब हैं वो इस्लाम की तरफ मायल हो जाएं। ठीक है, सही तहकीक है, सही तहकीक है, इस्लाम की तरफ मायल हो जाएं। बाकी हजरत हाफिज़ साहब ने जो जिक्र किया है, बाकी वो एक रिवायत वो भी है, ठीक है, उनकी बात भी ठीक है, लेकिन मैं वो तहकीक बता रहा हूँ जिस पर मुहक्किकीन आके ठहर के, ठीक, वो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ईसाई जो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहते हैं उनका जवाब देना, हाँ, चाहिए, जवाब देना भी आप, वो कहें गुरमा, आप कहेंगे अल्लाह आपको हिदायत अता फरमा, बस जवाब इतनी कहते हैं आप, ठीक है, बस ये ठीक है, ठीक है, उनके जवाब में उसी तरह नहीं कहना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये महमूद साहब ने जो पूछा है कि बेटी का रिश्ता आया है और पसंद भी है, लेकिन अहले तशय्यो के हाँ से ये सुननी है, अहले सुन्नत के जो फुकहा है उन्होंने मना किया, ठीक है, उन्होंने हाँ या ना में कहा था, और इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। इस्लाम में शायरी की इजाज़त है या नहीं है? बहादुरी के अशार हूँ, ऐसे अशार हूँ जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हूँ और उनमें कोई खिलाफ शरा बात ना हो, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक है, जिसमें शऊर फर्दा बेदार किया जाए, हाँ, आने वाले कल जो है, जी जी बिल्कुल ठीक है, जिस तरह इकबाल हज़रत इकबाल है, दूसरे अच्छे अच्छे जो इस्लामी, ठीक है, शोरा गुजरे हैं उनकी शायरी है, शायर तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, बिल्कुल, वो अभी पढ़ा करते थे अकाले सलाम की शान में, इसमें कोई हर्ज, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आजकल मस्जिद में उन्होंने पूछा कुछ लोग माजूरी की वजह से चेयर्स इस्तेमाल करते हैं, मैं तो ये पहले बता चुका हूँ, ये चेयर्स रखना बिल्कुल मना है, ये लोग ऐसे गलती कर रहे हैं। जो आदमी खड़े होके नमाज, यानी को माजूर है, घुटने वगैरह में दर्द है, वो ज़मीन पर बैठ के नमाज को अदा करें, ठीक है,
हुक्म तो असल इस्लाम का ही। हाँ, ऐसा आदमी जो सख्त मजबूर है वो खड़े होकर भी नहीं पढ़ सकता, ज़मीन पे बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए ये हुक्म है वो कुर्सी पे बैठ सकता है। लेकिन मसाजिद में वो कुर्सियाँ रखना फिर? हाँ, मसाजिद में वो बता रहे थे कुरान शरीफ के बारे में। जी जी। तो वाकई चूँकि हमारे उर्फ़ आम में जिस चीज़ को बेअदबी समझा जाए, चूँकि हमारे उर्फ़ आम में ये बेअदबी है कि आदमी खुद कुर्सी पर बैठा और कुरान मजीद नीचे आदमी रख के पढ़े, ठीक है, तो ऐसा करने से परहेज किया जाए क्योंकि वो कह रहे हैं वो दूसरी जगह उर्फ़ आम में ये कुरान मजीद की बेअदबी समझा। बिल्कुल ठीक है, जिसे बेअदबी समझा जाए उससे परहेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मस्जिद में स्टॉल लगाने का उन्होंने पूछा है कि मस्जिद के अंदर स्टॉल लगाया जाए और नीयत ये है कि इससे जो भी मुनाफा होगा वो इसी मस्जिद को दिया जाएगा। यह है कि कुरान मजीद में आया कि फ़ी बुयूत नाज़िन अल्लाह व तुरफा युज़करफ़ यस्महु युसब्बिहु लहु बिलगुदुव वलास। ठीक है, कुरान ये जो मसाजिद हैं, इसी तरह हदीस शरीफ में भी आया है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इरशाद फरमाया जो मसाजिद हैं ये अल्लाह के जिक्र के लिए होती है। ठीक है, ये ख़रीदो फरोख्त के लिए नहीं है, तो लिहाजा ये मस्जिद शरीफ के अदब के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल ठीक है, इससे परहेज किया। अच्छा मुफ्ती साहब, क़िबला एक और सवाल जो हमारे पास मौजूद है वो ये है कि अल्लाह पाक ने एक हुक्म दिया, बाद अज़ा उसके मनसूखी का हुक्म आ गया। इसकी मिसाल यूँ दी गई कि जैसे 10 मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ था, बाद में हुक्म आया कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए, तो अल्लाह पाक को तो पहले से इल्म था और अल्लाह को इल्म है, तो फिर पहले ही ऐसा हुक्म क्यों ना दिया गया कि उसका मनसूखी का हुक्म जारी ना किया जाता, इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती। मैं एक मिसाल के ज़रिए से इस मसले को वाज़े कर दूं। एक माहिर हकीम जब किसी मरीज को देखता है ना, जी जी, तो वो दवाई जब दवा तजवीज़ करता है वो कहता है 5 दिन ये दवा खानी है, 5 दिन के बाद ये दवा इस्तेमाल करनी है, ठीक है, फिर 2 दिन के लिए ये दवा इस्तेमाल करनी है। अब अगर कोई ये कहे कि पहले 5 दिनों के लिए वो आखिरी दवा क्यों नहीं दी गई, तो अगर ये कोई कहे तो ये सवाल बेजा है। ठीक है, और उस हकीम का ये कहना कि पहले 5 दिन के लिए तूने ये इस्तेमाल करना है, दूसरे 5 दिन के लिए ये फिर ये ऐन हिकमत के मुताबिक है। ठीक है, अल्लाह जल्ला जलालहु व अमन वालहु ने जो हुक्म पहले दिया उस वक्त उसका तकाजा यही था। ठीक है, फिर जब उसको तब्दील किया गया फिर बाद में दूसरा, फिर उस वक्त का तकाजा ये था कि वो दूसरा हुक्म होता। ये ऐन हिकमत है। ठीक है, यही तो अल्लाह जल्ला जलालहु व अमन वालहु के इल्म की निशानी है। सुभान अल्लाह। जी जी, यही उसकी हकीम होने की बहुत बड़ी दलील है। मिसाल के तौर पर आदमी 5 साल का हो तो उसे फिर वही जोड़े पहनाया जाएगा जो 5 साल का उम्र के बच्चे को। बिल्कुल ठीक है, जब 20 साल का होगा तो 20 साल वाला जोड़ा उसे पहनाया जाएगा ना। सही। अब अगर कोई ये सवाल करे कि जब ये बच्चा था इसे 20 साल वाला जोड़ा क्यों नहीं पहनाया गया, बिल्कुल ठीक, ये सवाल तो बेजा है ना। सही भाई, उस वक्त तकाजा उसी जोड़े का था, फिर जब 20 साल का हुआ इस जोड़े का तकाजा है। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह तो ये ऐन हिकमत के मुताबिक है। बिल्कुल ठीक है, कुछ सवालात और ले लेते हैं, कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं उनको शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी मेरा भाई कौन और कहां से बात कर रहे हैं? अली फ्रॉम ब्रैडफोर्ड। जी अली भाई, आपका सवाल। जी मेरे कुछ सवालात हैं, मुफ्ती साहब को भी सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पर हयात हैं, जी जिंदा हैं, तो जो अम्बिया इकराम हैं उनमें और जो शुहदा इकराम के हैं उनके जो फर्क क्या है जिस्मानी तौर पर? आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि अम्बिया इकराम जो है उनका दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद और शुहदा के रुखसत हो जाने के बाद दोनों में फर्क क्या है? हाँ, जिस्मानी तौर पर जिस तरह कुरान पाक में है कि जो अपने शुहदा हैं वो जिंदा हैं। ठीक है, आपका दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब अगर बिदअत और शिर्क की तारीफ करते हैं। बिदअत और शिर्क की तारीफ, ठीक है। हाँ, और तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर कोई औरत ये ट्रैवल करना चाहती हैं और उनका जो जर्नी है 57 माइल से ज्यादा है, अगर कोई महरम साथ ना हो तो क्या वो ग्रुप यानी औरतों की ग्रुप में जा सकती है? सफर आम सफर है,
आम सफर, दुनिया सफर या चीनी सफर। ठीक है, और मेरा आखिरी सवाल ये है कि फिक्र सवाल है कि नमाज में जो हम करते हैं तो उसमें कितने जमीन पर देना फर्ज या वाजिब हैं, अगर ये भी। ये आखिरी सवाल जरा दोबारा दोहराइए, क्या पूछा आपने? कि नमाज के दौरान जो सजदा हम करते हैं, जी जी जी, तो उसमें जो अंगूठे हम लगाते हैं जमीन पर, तो कितने अंगूठे लगाना फर्ज या वाजिब है? ठीक है, समझ सके? बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई, बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा, बहुत शुक्रिया आपका जी। अगले कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा भाई कौन और कहां से? जी मैं सुहेल बात कर रहा हूं, लंदन से। जी आपको खुश आमदेद कहते हैं, आपका सवाल। जी मैं विरासत के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं, मेरी एक्चुअली 3 बेटियां हैं जी, और पाकिस्तान में मेरी प्रॉपर्टी है, और मुझे ये पता चला है कि मतलब जब विरासत होगी तो वो आप मतलब बेटियों का जो उनका हिस्सा होता है और बकाया जो मेरा कोई बेटा नहीं है तो वो आपके भाइयों को और उनके बच्चों को मिलेगी। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे ये है कि क्या मैं अपनी लाइफ में वो मतलब अपनी जाहिर के मतलब प्रॉपर्टी या कुछ उनके नाम कर सकता हूँ, या को गोल्ड या ज्वेलरी या ऐसे उनको गिफ्ट कर सकता हूँ? किन को? अपनी बेटियों को? जी जी जी, ठीक है, या वाइफ को या बेटियों को? ठीक है, क्योंकि मेरे बात तो उनको तो फिर सिर्फ वो जो दीन का हिस्सा है वो मतलब जो उन, ठीक है, उन जी बिल्कुल मिलेगा ना, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें कोई गुनाह तो नहीं है, क्योंकि मेरी नीयत तो ये है कि मैं मतलब अपना जो भी चीजें अपने बच्चों को दूं या अपनी वाइफ को दूं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल समझ आ गया, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से जवाब लेते हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। अगले कॉलर शामिल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा भाई कौन और कहां से बात कर रहे हैं? बर्मिंघम से बोल रहा हूं अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला भाई आपको खुश आमदेद कहते हैं, आपका सवाल। अच्छा सवाल भैया ये है कि जो लॉटरी के पैसे होते हैं जी वो मस्जिद में लग सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया जी। अभी हम कुछ सवालात शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम ब्रेक पर भी जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पर हयात है, अंबिया का विसाल के बाद का और शुहदा का क्या फ़र्क है? अंबिया अलैहिस्सलाम भी जिंदा हैं, ठीक है, और हयात जिस्मानी के साथ, और औलिया इज़ाम जो है ना और शुहदा किराम वो भी जिंदा है। अल्लाह जल्ला जलालहू अमन वालों यहाँ तक फरमा दिया कि उन्हें रिज्क भी दिया जाता है, दोनों जिंदा हैं। अलबत्ता अंबिया और शोहदा के दर्जात में फ़र्क है, ठीक है। अब शहीद जो है वो उम्मती है, अंबिया जो हैं वो नबूवत के मनसब पर फायज हैं, शहीद जो है जहर है वो दर्जा के अतबार से जो है वो नबूवत के मकाम को तो नहीं पहुँच सकता। बिल्कुल ठीक है, बाकी यह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम हयात जिस्मानी के साथ जिंदा होते हैं, रहे औलिया अल्लाह उनका ये अपना शोहदा उनका ये जहरी जिस्म बाकी रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जिंदा ज़रूर हैं। अल्लाह किस हाल में उनको जिंदा रखता है? वो कादिर मुतलक है जिस हाल में उनको रखता है, ठीक है। हयात जिस्मानी के साथ भी वो जिंदा रख सकता है, और देखा गया सैकड़ों साल बाद शोहदा के जब उनके मजार कब्र खोदी गई या उनको कहीं शिफ्ट करना पड़ा तो उसी तरह खून उसी तरह उनका खून भी जारी था। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी ये फहम दीन प्रोग्राम जारी है नाज़रीन, और बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात अभी देने हैं और बहुत सारे सवालात लेने भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।